ये सब आ गए भाई लोग, कर दो ये लोग। बस बढ़िया भाई, समझ नहीं आया। Okay, okay. You are from Dhaka? Yes, I'm from Dhaka. Ah, okay, okay, okay. This is which lake? This is Gulshan 2. Gulshan 2? Yes. A lake name? Bani, account number 1. Banani Lake. यार वैसे तो यार यहाँ पे मैं ना बस और ट्रेन तो ली थी और रिक्शा भी लूँगा, बट मैंने अभी ऊबर बुक कर दिया। ऊबर है, थोड़ा खाना पीना करेंगे, उसके बाद आपको ढाका सिटी दिखाऊंगा। तो यार यहाँ पे भाई को थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो दिक्कत होगी नहीं, चलते हैं। मैंने एक ना रेस्टोरेंट की लोकेशन डाली है तो उसमें करते हैं। यार ये ऐसे वाले ना रिक्शा होते हैं यहाँ पर हर जगह, तो ये भी लेंगे और अपने जेड प्लस सिक्योरिटी वाले ऑटो भी लेंगे। और ट्रेन तो ले ली, और वो डबल डेकर बस होती है वो भी लूँगा मैं। भाई यार मैं गलत कह रहा था, इनकी मेट्रो भी है यहाँ पे, बट आई थिंक इनकी मेट्रो बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके पास मेट्रो भी है यहाँ पे, बढ़िया वाली है। मेट्रो भी है भाई? हाँ मेट्रो भी है भाई। ये देख रहे हो ऊपर बिजली की तारें हैं, जैसे अपने ओल्ड दिल्ली में नहीं लगी हुई होती हैं भाई। एक में आग लगी ना, ये पूरी जाएंगी और ये पूरे ढाका में है, चाहे आप ओल्ड ढाका में हो चाहे आप न्यू ढाका में हो। भाई ढाका में भी ऐसा है कि थोड़े एरियाज जो है ना वो डेवलप्ड हैं काफ़ी, जैसे ये वाला एरिया बनानी वाला एरिया और गुलशन है, गुलशन 1 गुलशन 2, ये थोड़े डेवलप्ड एरियाज हैं। जिस एरिया में मैं था रेलवे स्टेशन के पास, वो थोड़ा कम डेवलप्ड है मतलब यहाँ से कंपेयर्ड। और यहाँ पे ना साफ़ सफाई और बड़ा मस्त बना रखा, और अलग अलग बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स जो होती है ना, ये मतलब मेरे को वैसी फील दे रहा है थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, बट मुंबई बेंगलोर और अपना गुरुग्राम वैसा बना रखा है, ये मॉडर्न पार्ट ऑफ ढाका को। और वैसे बात करें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन करीबन 17 करोड़ लोग हैं, मतलब 170 मिलियन, और उसमें से 10 मिलियन करीबन हो गए अपने 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ लोग यहाँ पे ढाका में रहते हैं। और ढाका में भी ऐसा है कि मतलब ढाका है और ग्रेटर ढाका है, जैसे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर है ना, दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज, तो ग्रेटर ढाका है, और ग्रेटर ढाका में करीबन 2 करोड़ लोग से ऊपर रहते हैं, तो काफ़ी पॉपुलेशन इनकी यहाँ पे रहती है। ढाका और अपने आप में बांग्लादेश वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड में माना जाता है, और आई थिंक पॉपुलेशन में भी ये लोग मतलब साइज़ वाइज और एरिया वाइज ना डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए बिकॉज छोटे से एरिया में काफ़ी सारे लोग हैं, तो ये है। और आई थिंक वर्ल्ड में भी आई थिंक 7वीं या 8वीं कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, अपनी भाई इंडिया तो 1 पे आ गया। तो भाई यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है, ये बनानी वाला एरिया है, अच्छा एरिया है ये, यहाँ पे स्टार कबाब, और इसके ना रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे, करीबन 23,000 रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके खाना खाया जाए, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या खाना मिलेगा यहाँ पे। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे बिरयानी मिल रही थी और कुछ डिशेस थी यहाँ की, मैंने ये मंगाया है। ये चावल है भाई, ये चिकन की कोई डिश है, और ये शम्मी कबाब है मटन के, तो खाते हैं भाई देखते हैं कैसा है। ये बांग्लादेशी फूड ऑथेंटिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी, तो करते हैं भाई खाते हैं। ये तो अपने चिकन करी जैसी लग रही है, अपने इंडिया में जैसे मिलती है, और ये शम्मी कबाब है। अरे यार जैसे अपने इंडिया में फिरनी होती है पंजाब की, हो सकता है वैसी हो, देखते हैं खा के। खाना भी बढ़िया था, बट ये जो फिरनी है ना इसने दिल जीत लिया। मेरे को मीठा आजकल पसंद आने लग गया है काफ़ी, पहले मीठा इतना पसंद नहीं था, अब इतना आने लग गया है। भाई रासल भाई थे, बड़ी खातरदारी कर रहे थे उस टाइम से, खाना वाना खिलाया, मस्त खाना खिलाया। कैमरा अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा दिल्ली कैमरा सर। दिल्ली गए हो आप? दिल्ली नहीं यार, जाएंगे जाएंगे बात है ना, उसके बाद जाएंगे। कभी कोलकाता गए? कोलकाता जाएंगे जाएंगे। कहाँ से हो आप? बांग्लादेश में कहाँ से? कितनी दूर है? 3 घंटा लगता है जाने के लिए। अच्छा बांग्लादेश बढ़िया है, बुलाओ बुलाओ सबको बुलाओ। हाय वेलकम टू बांग्लादेश। ये सब आ गए भाई लोग,
कर दो ये लोग। बस बढ़िया भाई, समझ नहीं आया मेरे। हम धन्यवाद कहते हैं आप लोग, शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया भी कहते हैं इंडिया में, क्या शुक्रिया भी कहता है, धन्यवाद भी कहता है, सब कहता है भाई, सब कहते। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नेक्स्ट टू बांग्लादेश में तो इससे मुलाकात होगी। बिल्कुल, नाम याद रखना है, नासर जोंटिश, नाम याद रखना है इसका। क्या नाम? नासर जोंटिश। उसका क्या मीनिंग होता है? फुल नेम इसका। जॉन्डिस तो नहीं बोल रहे लोग, जॉन्डिस गाली वाली तो नहीं बता रहे। थैंक यू सर। भाई यहाँ पे तो रेस्टोरेंट में मैं लोकल सेलिब्रिटी बन गया, पता नहीं क्यों। भाई सब आके बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा यार। ऐसे यार इंडिया में नहीं होता, अपने देश में होता तो यार किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं दिख जाते हैं कि भाई वो इंडिया से हैं। वो आके बंदा मेरे को कहता, जो वेटर था, मेरे को पता है यार सब अपनी टिप तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, और मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 40-50 रुपये टिप देना। बट भाई उसने बड़ी खातिरदारी करी, एंटरटेन करते रहा, मतलब ना पहले अपना नाम बताया, फिर पूछता भाई वेरी ब्यूटीफुल कैमरा, उसके बाद बोलता आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कितने दिन के लिए आए हो, काम से आए हो, घूमने फिरने आए हो। मैंने ऐसे फिर आंसर करा, मतलब सही था यार, इन्होंने लोकल सेलिब्रिटी बना दिया मेरे को वहाँ पे। कहते आपके चश्मे अच्छे हैं, आपका कैमरा अच्छा है, मैंने बोला भाई देख ले। फिर कहते कितने का आता है, तो मैंने बोला भाई ये 30,000-1,000 का आता होगा अपने INR में, आपके टका में 40 का हो गया। कहते बढ़िया, मैं भी ना ऐसे आपकी तरह व्लॉग करना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई करो, ज़रूर करो। फिर कहते मैं इंडिया भी आऊँगा, दिल्ली आऊँगा और कोलकाता जाऊँगा। फिर कुछ पॉलिटिशियन क्या बता रहा था, कहता ममता बनर्जी जानते हो? मैंने कहा हाँ यार जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं। कहते फिर आप ये ना अच्छे वाले एरिया में आप गुलशन चले जाओ, गुलशन यहाँ से ना कुछ दूर है, गुलशन जैसे मैं पहले बता रहा था डेवलप्ड एरिया है ढाका का, और ये वाला भी एरिया ना काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है, काफ़ी जो अपस्केल वाला थोड़ा पॉश एरिया होता है वैसा लग रहा है। बट ये भाई ये बिजली की तारें हर जगह, हर जगह भाई, इसमें एक में कभी हो गया ना कांड तो पूरी जल के राख हो जाएगी। ठीक है भाई चलते हैं, ये बनानी सोसाइटी है, स्टार कबाब था, अगर रात को ना होगा तो फिर से आ जाऊंगा, नहीं तो कहीं और खा लेंगे। बढ़िया था लेकिन यार, और मेरा बिल आया, मैंने एक चावल खाए, चिकन की डिश खाई, शम्मी कबाब खाए, यार ठीक था, मतलब खाना मैं कहूँगा कि बहुत ही ग्रेट था, लेकिन काफ़ी ठीक था। और फिरनी मेरे को पसंद आई, और एक पानी की बॉटल, लगभग मेरा बिल आया 375, और उसके ऊपर से मैंने उसको 50 टिप दे दी, तो लगभग मेरे बने 425, तो मतलब यार अपने इंडिया के 350 रुपये कुछ के बने, मेरे हिसाब से वर्थ इट। भाई ढाका में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ना ऐसे बना हुआ है, और पीछे बनानी वाले एरिया में ना घर बड़े 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 यार, 5-5, 6-6 मंजिलें हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे जो लिमिट है, जैसे अपने गुरुग्राम या दिल्ली में लिमिट है ना कि 3 या 4 माला बना सकते हैं, यहाँ पे लिमिट नहीं है भाई, लोगों ने 5-5, 6-6 माले बना रखे हैं। हो सकता है भाई वो कॉरपोरेट वाले हों, मतलब रेसिडेंशियल नहीं हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बट काफ़ी डेवलपमेंट है यार यहाँ पे भी इस एरिया में, गुलशन और बनानी वाले एरिया में। हेलो भाई यार, जैसा मैंने पहले बताया था कि बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, 91% ऑलमोस्ट मुस्लिम है, और छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स तो हैं ही, कुछ हिंदूज भी रहते हैं यार यहाँ पे, और मोस्टली सुन्नी मुस्लिम है, शिया मुस्लिम की छोटी पॉपुलेशन है। उसके अलावा यार बांग्लादेश अपने एक्सपोर्ट्स करता है, इंडिया को भी करता है, इंडिया से लेता भी है, बट मोस्टली इनके क्लोदिंग के होते हैं, जो भी आप बड़े ब्रांड्स देखते हो ना यार क्लोदिंग के, या तो वो बांग्लादेश या फिर लाओ या फिर कंबोडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, और फिर ये बड़ी कंपनीज अपना ब्रांड लगा के बेच देती हैं आगे। ये इंडिया गैस भी अपॉर्चुनिटी थी, बट ये बांग्लादेश ने ज़्यादा बेटर कैपिटलाइज करी। उसके अलावा एग्रो प्रोडक्ट्स हैं इनके, इनके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से दवाइयाँ बिकती हैं और अपना ब्रांड नेम लगा के वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेच दी जाती हैं, तो ऐसा कुछ है। इसके अलावा इनकी GDP पर कैपिटा तो यहाँ पे आ जाएगी, इनकी पूरी GDP अराउंड 500 बिलियन के करीब होगी, जैसे हमारी मोदी जी कराना चाह रहे हैं 5 ट्रिलियन, इनकी है 500 बिलियन, तो ऐसा कुछ है। ये फैक्ट्स मैं बताते रहूँगा। यार
जैसे आप लोगों को पता है कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ब्रिटिश के जाने के बाद, उसके बाद ना पाकिस्तान को तो वेस्ट पाकिस्तान कहते थे और बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। फिर 1971 में इनकी लिबरेशन वॉर हुई थी, उसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ था इनको ना इंडिपेंडेंस गेन कराने में, उसके बाद ये बांग्लादेश फॉर्म हुआ। और भाई नामकरण की भी बात करूँ तो बहुत ही ऑब्वियस है कि बांग्लादेश का नाम कैसे आया, बांग्ला या फिर बंगला। कुछ लोग पहले पुराने वाले लोग ना बांग्लादेश भी कहते हैं, तो बस बंगला हो गया बंगालीज और देश हो गया कंट्री, तो बांग्लाओं का देश बांग्लादेश। भाई ये जो लेक है ना इसका नाम है बनानी लेक, और आपको पता है बांग्लादेश में जहाँ तक मैंने रिसर्च करा 600 से 700 रिवर्स हैं। उसके अलावा इनके पास सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है जो सुंदरबंस है, आपको पता ही होगा, जहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है अपना। और इनके बीचेस ना सबसे लंबे बीचेस हैं वर्ल्ड में, इनकी कोस्ट लाइन भी काफ़ी बड़ी है। यस यस गोप्रो, हेलो हेलो, नाइस टू मीट यू सर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कौसर, एंड यू? माय नेम इज कौसर। कौसर? यस। ओके ओके, यू आर फ्रॉम ढाका? यस, आई एम फ्रॉम ढाका। ओके ओके ओके, दिस इज व्हिच लेक? दिस इज गुलशान 2। गुलशान 2? यस। एंड लेक नेम? बनानी, अकाउंट नंबर 1। बनानी लेक? बनानी लेक, यस 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 यस। थैंक यू ब्रदर। वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया, दिल्ली। ओह नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। इंडिया से? हां इंडिया से। आप हिंदी जानते हैं? हां जानते हैं। अच्छा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं या पूरा जानते हैं? पूरा ही जानता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सब कुछ जानते हैं। अच्छा हां, अच्छा ऐसा भी है क्या? या स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो YouTube पे वीडियो देख के। YouTube पे वीडियो देख के? अच्छा अच्छा, स्टडी वडी वाला ना? हां ओके ओके। तो भाई बताना शुरू हो गया अपने बारे में कि हिंदी जानता हूँ। तो ऐसे यार अच्छे लोग मिल जाते हैं यार यहाँ पे, हिंदी जानते हैं यार, कुछ लोग कम जानते हैं कुछ लोग पूरी जानते हैं, लेकिन लोग जानते हैं मोटी मोटी। इनके स्कूलों में तो नहीं पढ़ाई जाती, आई थिंक इधर उधर से या फिर कलकत्ता के पास से कहीं रहते होते हैं तो उनको आ जाती है हिंदी। वैसे तो इनकी मेन लैंग्वेज तो इनकी खुद की है, बांग्ला है, बंगाली है। आपको बताया था ना कि बांग्लादेश मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, बट ये जो शाकाहारी मार्केट है ना, ये इसको यहाँ की हिंदू मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे ना अपना सामान मिलता है। और एक और मार्केट है न्यू मार्केट, न्यू मार्केट आई थिंक बांग्लादेश की सबसे बड़ी मार्केट है, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, बट यहाँ पे ना आपको अपने जैसे वाराणसी और अपने यूपी में इवन उदयपुर में जैसी मार्केट नहीं होती है वैसी मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे लेडीज़ का आइटम मिल रहा है, खाने पीने की कचौड़ी और वो सब मिल रही है, और मतलब भाई अपने अपने गॉड की मिल रही है तस्वीरें। भाई कंट्रास्ट देखने में इंटरेस्टिंग है कि यहाँ के बाज़ार और यहाँ की मार्केट्स कैसी हैं। वो देखो भाई, मोर के पंख मिल रहे हैं वहाँ पे, और ये सब है जो अपनी हिंदू मार्केट्स में नहीं मिलता वहाँ पे, दिल्ली में हो गया किसी भी सिटी में यार, क्योंकि यार ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे ये मार्केट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, यहाँ पे पूरा ऐसा माहौल है। ये देखो भाई अपने भगवानों की तस्वीरें बनी हुई हैं हर जगह भाई यहाँ पे। भाई ये देखो मालाएं मिल रही हैं अपनी भाई, और मैंने यहाँ पे पता करा यहाँ पे 3-4 अपने टेंपल हैं, मतलब हनुमान जी का टेंपल है, संतोषी माँ का टेंपल है, यहाँ पे 3-4 इस एरिया में ना टेंपल है। और यहाँ पे ये वाली कचौड़ी मिलती है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बट मेरा पेट भरा हुआ है अभी। हेलो हेलो, हाँ भाई ने सुन लिया, मैंने कहा यार मैं ट्राई करना चाहता हूँ बट मेरा पेट भरा हुआ है अभी, थोड़ी देर में ट्राई कर लूँगा अगर इस रीजन में रहा तो। यहाँ पे एक कचौड़ी और आलू टाइप मिलता है हर जगह। अब भाई ये होली का सामान भी मिल रहा है, पूरे जो अपनी ना देवताओं और भक्ति वाला सामान होता है वो मिल जाता है यहाँ पे, ऐसी मार्केट है इंटरेस्टिंग है। और ये देख लो भाई मंदिर है, किसका मंदिर है ये? ये तो माता का मंदिर है, देख लो भाई बांग्लादेश में माता का मंदिर। भाई ये मंजर देख के आपको ओल्ड दिल्ली की याद नहीं आ रही है पूरी? भाई ये लाइनें लगी हुई हैं और ये पुरानी पुरानी दुकानें, मेरे को तो ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद वाले एरिया की फीलिंग आ रही है, पूरी पूरी वहीं की फीलिंग है यार यहाँ पे। और हर जगह शोर है भाई,
बट सही है, अपनी जैसी फीलिंग ही है यहाँ पे पूरी। वहाँ से मार्केट ख़त्म हो जाती है और ये वो वाला एरिया है, बिल्कुल उस एरिया और इस एरिया में फ़र्क है भाई। बस वहाँ पे आपको पूरी अपनी वाली, जैसे मैंने बताया, मंदिर वंदिर दिख रहे हैं, और यहाँ पे बैक टू लगता है कि बांग्लादेश आ गए हो। तो वो एक एक स्ट्रीट में ऐसा लगता है कि आप इंडिया में हो, पर एकदम वहाँ पे बाहर घुसते ही आप बांग्लादेश में वापस आ गए, बिकॉज वो फील में ही डिफरेंस है यार। मतलब इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना, है ना भाई। वहाँ से चलकर आ गए, बहादुर शाह पार्क था, उसके बाद पूरी मार्केट है भाई, ख़त्म ही नहीं होती इनकी मार्केटें। मेरे को चांदनी चौक वाला सीन लग रहा है पूरा, ये मार्केटें इनकी ख़त्म ही नहीं होती यार। कपड़े बिक रहे हैं, सामान बिक रहा है, खाने पीने की छोटे मोटे स्नैक्स होते हैं वो बिकते हैं, मसाले बिकते हैं। ये देख लो यहाँ पे पूरे स्नैक्स बिक रहे हैं, मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैं भी खा लेता कुछ। हर चीज़ है भाई, ये पूरा चांदनी चौक वाली फील है यहाँ पे। खैर मैं थोड़ा थक गया हूँ, अब मैं वापस जाऊँगा। तो आज मैंने मार्केट देखी और कुछ अच्छे अच्छे एरियाज़ देखे बांग्लादेश के, आपको वापस मिलते हैं।